बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं जी, ऐसा ही है जी। टेस्ट की डिस्कशन कंटिन्यू करनी है, करें जनाब। ओके, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने कर लिया था, नहीं किया, उसमें कुछ और रह गया है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 को फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना जी। हम पहुंच गए थे रेंट चार्जेबल टू टैक्स की कैलकुलेशन हो गई थी, और दैट कम्स टू 59, मेरे पास क्या आ गया, अच्छा 600, ठीक हो, 600 6280। रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ गया था हमारे पास, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इसके बाद हमने एक्सपेंसेस की बातें करनी थी, ऐसे ही था ना। नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी हमने इसके अंदर डाल दिया हुआ है। रिपेयर अलाउंस लेस होने शुरू हुए जी एक्सपेंसेस। रिपेयर अलाउंस 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, 600 6280। क्या आंसर आ गया जी? 12,01,256, ठीक है जी। इसके बाद इस सवाल में जो छोटा छोटा से कॉन्सेप्ट इंसर्ट किए गए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। पहली बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम को हमें देखने की, क्यों नहीं लेना है? अलाउंस तो एक्चुअल के साथ, एक्चुअल को इग्नोर करना था ना। अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं गिवन थे या गिवन होते भी, तो दोनों सूरतों में इग्नोर करना था। हमें रिपेयर अलाउंस इन द शेप ऑफ अलाउंस मिलता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल अकरेंस ऑफ रिपेयर एक्सपेंसेस। हो सकता है बाद दफा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहे देर इज नो रिपेयर एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, अब भी कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज वही उसूल पहले वाले रखेंगे। क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा? रिपेयर के बारे में लिखा है कि 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू, हाँ अगर रेंट चार्जेबल टू टैक्स ही ना गिवन होता, फिर हम कहते हैं यार ये तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, एक्चुअल के साथ तो इसका कोई लिंक है ही नहीं है। ठीक हो गई बात जी। इसके बाद आ गया जी इंश्योरेंस प्रीमियम में हमने क्या पढ़ा था, कौन सी इंश्योरेंस अलाउ होगी और कौन सी इंश्योरेंस अलाउ नहीं होगी, ये बात पढ़ी थी कहीं हमने। बिल्डिंग के केस में अलाउ होगी, और अगर लैंड है तो वो अलाउ नहीं होगी। तो हम इस वक्त बिल्डिंग का ही जिक्र कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, इस वक्त बिल्डिंग का ही जिक्र हो रहा है, तो वो वाला एरिया तो हमारे कंसर्न नहीं है। हाँ, उसने एक काम किया, थोड़ी कहानी डाली, एज एन अकाउंटेंट उसने चीजों को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। उसने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल आ रहा है कितना, 7,50,000। यानी इंश्योरेंस वालों को हम पैसे नहीं दे रहे हैं, बल्कि पेएबल बुक हो रहा है, ठीक है ना। अक्रूअल बेसिस पर हम उसको अक्रू करते जा रहे हैं, लेकिन अभी एक्सपेंस पे नहीं किया। अब क्योंकि पेएबल का अकाउंट तो हर साल का पेएबल उसमें डलता जा रहा है, उसमें उसने हमें ब्रेकअप बताया कि जो पिछले साल का पेएबल है वो 2,50,000 रुपया है। इसका मतलब है पिछले साल का जब 2,50,000 आया होगा तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा, इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट हुआ होगा, पेएबल का ओपनिंग बैलेंस इस साल आया होगा, इस साल 5,00,000 और पेएबल आया है, और ये टोटल मिलकर 7,50,000 हुआ है। तो 7,50,000 तो हमें अलाउ नहीं होना ना, हमें तो 5,00,000 अलाउ, ठीक है ना, हमें तो 5,00,000 अलाउ होना है। यहाँ भले लिख दें 2,50,000 रिलेट्स टू 2019 या प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। पेएबल के अकाउंट से जब हम एक्सपेंस उठाते हैं तो उसको यही करना पड़ता है, अगर कोई प्रीवियस पेएबल था
तो ऑब्वियसली वो तो बीच में से माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर कहानी मेरी मजबूरी यही है कि जब जब भी मैं टेस्ट डिस्कस करने लगता हूँ तो मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं सवाल सॉल्व करूँ। प्रॉब्लम ये है, मेरा दिल कर रहा होता मैं इस सवाल के इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करके आपको बताऊँ कि क्या हो सकता था, क्या कर दिया गया है, क्या इसके अलावा हो सकता था। मसलन वो कहता कि जी 7 लाख की बजाय वो कहता जी इंश्योरेंस पेबल है 15 लाख रुपए का और इसका ब्रेकअप बताता। अब ये हमने पहले भी प्रैक्टिस करवाई है आपको कि जनाब 5 लाख रुपया तो इस साल का है, फिर कोई एक अमाउंट, फिर कोई एक अमाउंट, फिर कोई, फिर एक वो वाला साल निकाल के लाता है जिसका चौथा साल होता और वो एडबैक करने वाली प्रोविजन बन रही होती है, ठीक है ना। पेबल के साथ प्ले विद करने के लिए एग्जामिनर के पास ये वाला टूल भी अवेलेबल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई लाइबिलिटी विच इज नॉट पेड विद इन, लिखने में तो 3 ईयर बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकली 4 साल है ना, चौथे साल में भी अगर वो पेबल आ रही है तो फिर वो एडबैक हो सकती थी ना, तो ये वाली बात अभी इंसर्ट हो सकती थी। इसका मतलब है अभी डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, प्रो मैक्स नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी, और कौन सा एक्सपेंस आ गया? प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कितना आ रहा है जनाब? प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल फॉर, अच्छा डायरेक्टली गिवन है 2,96,000 सीधा ही अलाउ कर देंगे, ठीक है ना जी। और कौन सा एक्सपेंस आ रहा है? इंटरेस्ट पेएबल 6,10,000, तो ये भी सीधी स्ट्रेट बात है, 6,10,000 डायरेक्टली अलाउ कर देंगे, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लीगल चार्जेस में सिर्फ ये पढ़ना है कि यार क्यों है लीगल चार्जेस, टू टाइटल, क्योंकि लीगल चार्जेस में था कि लीगल चार्जेस कौन से अलाउएबल हैं। लीगल चार्जेस में जब हम, आपको याद है कि हमने कहा था कि जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप प्रोविजन पर वापस जाएं। एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर फॉर लीगल सर्विस एक्वायर्ड टू डिफेंड द पर्सन टाइटल टू द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन द कोर्ट, ठीक है ना। तो उसने इसीलिए कहा कि टाइटल डिफेंड करने के लिए है। अच्छा, टाइटल डिफेंड करने के लिए है, कितने एक्सपेंसेस हैं जी ये? 2,70,000। पेबल टू लॉयर लिखा ना, तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, अलाउ कर देते हैं, नीचे अजम्पशन लेते हैं कि इट इज अज्यूम्ड दैट कि ये एक्सपेंसेस टाइटल को डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, या डिसअलाउ कर देते हैं और कहते हैं कि यार ये टाइटल के लिए नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अच्छा जनाब, और क्या रह गया? रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट, रिकवरी ऑफ एन अनपेड रेंट ऑफ ₹7,50,000 फ्रॉम लास्ट टेनेंट, इसको ऐड होना है ना, कितना? 2,07,000 ऐड हो गया। लेकिन यहां एक अजम्पशन लगानी पड़ेगी, या एग्जामिनर क्लियर लिखता, एग्जामिनर ने नहीं क्लियर लिखा तो इसका मतलब यह है एग्जामिनर चाहता है कि आप इसकी बैकग्राउंड भी बताएं, आपके जहन में वो बात भी हो। हमने कहा था रेंट रिकवर्ड कब ऐड होगा? हाँ बोलो 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 बोलो, शाबाश शाबाश। अब जरा पीछे से चलते हैं, पहले बैड डेट कब अलाउ होना था? बैड डेट कब अलाउ होना था? जब नहीं, पहली ऑप्शन थी जब पहले ये इनकम में शामिल हो गया, और फिर वो कंडीशन थी कि जनाब उसने जगह खाली कर दी हो या हमने वो सारा, उसकी बेस पर बैड डेट हुआ था, ठीक है ना। इसका मतलब है ये वाली बात उस सूरत में हो रही है जब पहले ये बैड डेट अलाउ हुआ है, विच मीन्स के पहले ये इनकम में ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। पहले इनकम में ऐड हुआ था, फिर सब्ट्रैक्ट हो गया, अब दोबारा ऐड हो रहा है, अब ये रिसीट बेसिस पर हो रहा है। और कितनी अमाउंट है ये? अब इस सारे का टोटल लगा लिया हमने, और कोई और एक्सपेंस है? और कोई एक्सपेंस? कौन सा? अच्छा, उसमें डेट गिवन थी,
ओके अच्छा डेट गिवन थी, हाँ 2019 में आया था, अगर 19 में आया था तो 3 साल 20, 21, 22, अगर 23 में भी पेएबल आ रहा है जो कि आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब है फिर वो 2.5 लाख रुपया भी क्या करेंगे, 2.5 लाख रुपया है पांच लाख हमने नेट करके लिखा, नहीं ये ऐसे नहीं है, 5 लाख तो अलाउ होना ही होना था ना, अब 2.5 लाख रुपया ऐड होना है, नेट नहीं किया अभी हमने, नेट नहीं करना था, 7 लाख 5 लाख का एक्सपेंस है 2023 का, ठीक है ना, और नहीं उसमें ऐड है ना, और 2.5 लाख रुपया क्या हो गया, डिसलॉ हो गया, एक्चुअली अगर नेट करते तो फिर 2.5 लाख आ रहा होता, बात समझ आई है, अब टोटल लगाए, यानी पेएबल में हम क्या करते हैं, करंट ईयर का ही एक्सपेंस डालना है ना, एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूअल अलाउ होगा ना, वो तो 5 लाख ही था, अब पेएबल की अमाउंट देखनी थी हमने कि अगर कोई एग्जैक्टली फोर्थ ईयर बन रहा है जो पेएबल पर अलाउ हुआ है तो उसको डिसलॉ करना है, वो 2.5 लाख रुपया आपका अलग से आ गया, बिल्कुल ऐड करें, हाँ 2.5 लाख ही आ रहा है ना, 2023 का कितना आ रहा है, वो कह रहा है टोटल आ रहा, इधर देखें टोटल आ रहा था 7.5 लाख रुपया पेएबल, सुने तो सही ना, टोटल पेएबल आ रहा था 7.5 लाख रुपया, हमने उसी में शामिल तो रखा ही नहीं, हमने कहा अच्छा जी ब्रेकअप से पता चला 5 लाख 2023 का है और 2.5 लाख 2019 का है, अब ऐसे सोचें 2023 का अलाउड का मतलब है माइनस कर दें, 2019 का डिसअलाउ का मतलब है ऐड कर दें, तो यही तो कर रहे हैं आप, यही नहीं कर रहे, बाइफरकेट किया पहले उसको हमने, 2023 अलग किया 19 अलग किया, अब फर्ज किया ये 19 की बजाय का होता तो इस साल इसे कुछ नहीं करना था, ये रेलिवेंट ईयर नहीं था, नॉट ए नो ट्रीटमेंट वाला ईयर चल रहा होता, फर्ज किया यहां 18 लिखा होता फिर भी नहीं है, फिर तो पिछले साल ही हो चुका था जो इसके साथ होना था, जब ये वाली लाइबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाली प्रोविजन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यही बात डिस्कस कर रहे थे ना बार बार कि बाइफरकेट करना है, पेएबल को सेपरेट करना है, जो करंट ईयर का पेएबल अराइज हुआ है उसको अलग करना है, पेएबल का ब्रेकअप निकाल लेना है, पेएबल का ब्रेकअप इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता था, ठीक है ना, हमने जब यहां सवाल किए थे हमने थोड़े ज्यादा ब्रेकअप के साथ किए थे कि फर्ज करें एक एक्स अमाउंट है, हम 2023 डिस्कस कर रहे हैं, एक अमाउंट है जो 2023 से रिलेट करती है, एक अमाउंट है जो 2022 से रिलेट करती है, एक है जो 2021 से रिलेट करती है, एक 2020 से रिलेट करती है, एक 2019 से रिलेट करती है, एक 2018 से रिलेट करती है, ऐसे समझे, पहले तो बाइफरकेट किया आपने पेएबल को, अब जो इस साल का पेएबल है अलाउड का मतलब है माइनस करते हैं, अगर पिछले साल का कोई पेएबल था तो इस साल इसकी नोट नोट नोट, अगर ये अभी भी पेएबल आ रहा है तो ऐड, और अगर ये अभी भी पेएबल आ रहा है तो नोट, यही पढ़ा था ना जब ये वाला काम कर रहे थे उस वक्त, हम यही बात समझ रहे थे कि यार ऐसे हमने बाइफरकेट करना है, ऐसे चीजों को लेकर चलना है, ये हमने अलग 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 ये सारी बातें की थी, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई जी, जरा अपने वाले का टोटल निकाल लेना, आप तो वहीं से बोल ही जा रहे हैं आंसर, 4129024, टैक्स तो उसने कैलकुलेट करवाया भी नहीं था, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम हमारी हेडिंग लगनी थी, एंड टैक्स देयर ऑन इसके ऊपर लिखा हुआ नजर नहीं आना था क्योंकि टैक्स तो वो क्या भी नहीं रहा।
आपको बात समझ आ गई कि नहीं? जी नहीं, पहले नहीं करना, ये डिसलॉ नीचे करना है, क्योंकि रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो है वो डिफाइंड है, वो डिफाइंड है, वो इस, वरना ऐसे इसका एक लॉजिकल सोचें, आप भी इसको जरा अपग्रेड करें अपने आप को भी। हाँ, मैं वही बताता हूँ ना कि क्यों नहीं करना। हमने जो एडजस्टमेंट डाली है वो इन अमाउंट्स की डाली है, ठीक है ना। मसलन एक रेंट बैड डेट हो गया, जब वो बैड डेट हुआ तो क्या हमने रिपेयर एक्सपेंस भी एडजस्ट किया था? नहीं किया था। क्या हमने कलेक्शन चार्जेस भी ठीक किए थे? नहीं किए थे। इसका मतलब है फॉर द सेक, हालांकि होने चाहिए थे ना, हालांकि होने चाहिए थे लेकिन नहीं किए थे। इसका मतलब है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लॉ उधर नहीं गया कि चलो यार कोई छोटा सा इंपैक्ट आ रहा है, ऑफसेट भी हो जाएगा जब अगर इसका रिवर्सल ले लेगा तो। आप समझ आ रही है? अगर लगे कि सर नहीं ये इनकम है तो इनकम का तो फिर उधर, क्योंकि अगर रेंट चार्जेबल टू टैक्स में करेंगे तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगी। अगर यहां चेंज करनी है तो फिर जहां अलाउ किया गया था क्या वहां चेंज की थी? नहीं की थी, इसलिए ये ऐसे चलेगा। बात समझ आ रही है ये बात? अच्छा जनाब, आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर टू। चलो जी, मतलब सवाल ही बता रहा है कि उसको सीरियस नहीं लेना, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, चाहत फतेह अली खान ओन्स अ फैक्ट्री बिल्डिंग, ही रेंटेड आउट हिज बिल्डिंग टू सेवरल टेनेंट हैविंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टू सेवरल टेनेंट्स। फैक्ट्री में क्या बनता है जी? बुरे सुर बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, बुरे सुर बनते हैं। अच्छा जी, मिस्टर अली वॉज हिज टेनेंट फ्रॉम 9th जुलाई 2003 टू 31st मई 2007 एंड ही पेड अ सिक्योरिटी एडवांस नॉन एडजस्टेबल 26 लाख रुपए। निकालना क्या है? सबसे पहले ये देखने हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर फॉर टैक्स ईयर 2023। इसका मतलब है जो पिछला डाटा है वो सिर्फ क्यों आ रहा होगा? न्यू एडवांस माइनस ऑलरेडी एडवांस के लिए आ रहा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है वो एक कंप्यूटेशन जो है उसको हमें कैरी ऑन करना है। और आपको मालूम होना चाहिए जब डेट्स आई हैं आपको टैक्स ईयर में गुफ्तगु करनी है, ठीक है ना। मसलन पहला टेनेंट कब आया था? भाई अगर 9 तारीख ही लिखी थी तो मई क्यों नहीं लिखी है? पिछला साल। अच्छा जी, आइंदा जब भी 9 लिखनी है मई लिखनी है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं 9th जुलाई 2003 टैक्स ईयर बनाना है फौरन आपने। कौन सा टैक्स ईयर है? 2004 पहला टैक्स ईयर। छोड़ के कब गया ये? 31 मई 2007 को। किस साल छोड़ा इसने? 2000। ये फुल वाला ईयर था और ये 9 वाला ईयर था, ठीक है ना। 2004, 5, 6, 7 में नहीं करना, 3 साल की एडिशन। अपने आप को क्लेरिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है, डेट से निकल के फौरन कहाँ चले जाएं? टैक्स ईयर में चले जाएं और जहां से स्टार्ट हुआ उसको फुल कर लें और दूसरे को नो वाली ट्रीटमेंट डाल लें, ठीक है ना। हमें यहां से यही कंप्यूट करना है ना, कितना उसने किया था? 26 लाख रुपया। 26 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 7,80,000। लो जी, एक वाला टेनेंट का तो मसला हल हुआ। दूसरा टैलेंट आ गया जी, कब आ गया? 1st जून 2007 को। 1st जून 2007 को आया तो टैक्स ईयर 2007 ही बना, ये फुल वाला ईयर आ गया।
और ये गया कब है? 28 फरवरी 2015। ये फर्स्ट टेनेंट था, ये हमारा सेकंड टेनेंट आ गया, लेकिन अब इसको डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व कर सकते, इसमें से तो वो माइनस करना है, ठीक है ना। पहले इसके साल गिनते हैं, ये कौन सा साल है? 2015। सात में आया, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह में गया है, पंद्रह को काउंट नहीं करना, इसका मतलब है आठ साल हुए। सात को काउंट करना है, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, आठ साल, ठीक है ना जी, आठ साल। लेकिन लेने कैसे हैं? इसने दिया था 3 मिलियन, 3 मिलियन न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स्ड डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8। अच्छा पढ़ लें, फिर अगर कोई ऐसी भी कहानी है तो पढ़ लें। टेनेंसी फ्रॉम 1 जून ऑन 28 फरवरी, बट एज पर एग्रीमेंट ही पेड नॉन एडजस्टेबल एडवांस 3 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2000, ऑन 1 जुलाई 2007। तो फिर 8 हो गया, तो फिर ये 7, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। अगर ये बात लिखी है तो बिल्कुल ऐसी, 15 लाख पूरा, 15,54,000 आ गया, ऐसे ही है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, और आ गया टेनेंट। मिस्टर नूरुद्दीन वॉज हिज टेनेंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड वॉज सब्जेक्ट टू अ रेंटल एग्रीमेंट क्लॉज नॉन दिस दिस ही वॉज टेनेंट इमीडिएटली आफ्टर शाहजहां साहब कब तशरीफ ले गए दुनिया फानी से, ये गया था जी 28 को 28 2 को 29, तो नहीं होती क्या, होती है नहीं, कभी कभी होती है, ये कभी वाला साल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब है 1 मार्च 2015 को ये तशरीफ लाए हैं, और तशरीफ लेकर कब गए हैं? अब जरा गौर करना है, मिस्टर नूरुद्दीन वॉज हिज टेनेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, 15, 16, 17, 18, 28 2 2018। ये तो डेट्स हमने निकाली हैं उसकी इंग्लिश से, आने और जाने की, ठीक है ना, आने और जाने की। अच्छा जी, अब इसे टैक्स ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है? 2015, और ये कौन सा चल रहा है? 18, ये फुल वाला ईयर है, ये नो वाला ईयर है, 15, 16, 17, 3 साल। लेकिन पैसे इसे कितने लिए हमने? 32 लाख। अब 32 लाख रुपए में से -7,80,000 -15,54,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2598, ठीक है जी। थर्ड टेनेंट था ये, ये सारी जिंदगी माइनस हुआ, न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स, ठीक है ना। जैसे हर जुमे में हमने मजम्मत करनी है ना, ऐसे हर टेनेंट के आने पर माइनस करना, ठीक है ना। इसका रैशनल ये है कि अगर एक अमाउंट हम सेम अमाउंट पर हम रेंट पर देते रहे, जैसे इसने पहली दफा कितने पैसे लिए थे? 26 लाख। अगर ये हमेशा 26 लाख ही ले तो एक स्टेज आएगी कि इसका 26 लाख टैक्स हो चुका होगा, फिर ये 26 लाख लेता भी रहे तो टैक्स नहीं होना, डिफरेंशियल टैक्स कर रहा है लॉस में, आप समझ आइए। अच्छा जनाब, अब आखिरी टेनेंट आ गया कि आखिरी नहीं आई? आ गया जी। मिस्टर जाहिद चौधरी इज स्टिल इन द प्रॉपर्टी एंड इज
tenant after vacating Mr. Noor and had paid an amount as non-adjustable advance of rupees 3. इस बंदे की जो है वो टैक्सेशन हो, किसके रेंट पर इस साल की टैक्सेशन हो रही होगी। लेकिन ये कब आया जनाब? ये आया है 1/3/2018 को, और हमारा साल कौन सा चल रहा है? 2023। और अभी भी टेनेंट है ये, और अभी भी टेनेंट है ये। इसका मतलब है इस बंदे की अमाउंट एडजस्ट हो रही है 1/10। अब इसने कितना एडवांस दिया? 37 लाख रुपया। तो 37 लाख माइनस 7,80,000 माइनस 15,54,000 माइनस 259,800 डिवाइडेड बाय 10 इनटू, अब इस साल, अब तो इसकी तो हमने हर साल लेनी है ना, अब इसकी टैक्स, इसको तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो जब करना था, जब इसका हमने ये निकालना होता कि अब ये इतने साल बाद चला गया, इसका मतलब भाई ये वो अमाउंट है जो हमारी एडलेस हो रही है। बस इसका आंसर ले लिया, क्या आंसर आ गया? 1,10,620। अब ये एक बड़ा अच्छा वेल डिजाइंड क्वेश्चन है जो आपको इस एरिया की पूरी प्रैक्टिस करवा देगा, ठीक है ना, जो इस एरिया की पूरी प्रैक्टिस करवा देगा आपको। क्लियर हो गई बात? क्या कह रहे हैं बेटा दोबारा पर? हाँ, यहाँ पे पूछा गया है उसने, अगर तो रिपेयर अलाउंस तक उसने बात पूछी है तो फिर रिपेयर अलाउंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा अगर उसने, अच्छा यहाँ एक ना बड़ी मजे की बात पूछी जा सकती थी एग्जामिनर अगर चाहता तो, कि वो आपको या तो कहता कि बताइए इस साल कितनी अमाउंट ऐड होगी अगेंस्ट एडवांस, तो फिर तो हमारा आंसर क्या आ रहा होता? 6 लाख, वो 1,10,600। नहीं नहीं, ये भी बताते मैं करता हूँ, आपने अच्छा सवाल, पहले देखते हैं इसने पूछा क्या था। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम इसका मतलब है इस बंदे को हमने कितने रेंट पर दिया हुआ है, ये भी सोचे कहीं पीछे गिवन तो नहीं था, कोई नहीं गिवन है, ओके। इसका मतलब है टैक्सेबल इनकम असल में तो कोई नहीं निकल सकती, ठीक है ना। हाँ अगर एग्जामिनर कहता कि यार ये जो मिस्टर जाहिद आया ना, ये 2,50,000 रुपया मंथली रेंट दे रहा है, तो फिर हम रेंट भी निकालते कि इस साल का पूरा रेंट निकालते, लेकिन रेंट तो गिवन नहीं है, लेकिन जितनी चीजें गिवन हैं वो तो लेकर चलना है ना। ये 1,10,620 रुपया कहाँ ऐड हुआ है? रेंट चार्जेबल टू टैक्स, अब रेंट गिवन नहीं है, तो जो कुछ हो सकता है वो तो करेंगे, तो रिपेयर अलाउंस इसी का 1/10 वो ले लेंगे 1, ठीक है ना। लेकिन एक ज्यादा अच्छा, अगर एग्जामिनर इस सवाल को जब बिल्ड करेगा तो वो ऐसे नहीं करेगा कि यहाँ छोड़ेगा नहीं, बल्कि जाहिद का रेंट भी मंथली बता देगा, बिकॉज वो इनकम कैलकुलेट करवाना चाह रहा है ना, बाकियों का उसने हाइड कर दिया या कंफ्यूज करने के लिए बाकी सबका भी बता देगा, ये आप नोट कर ले इस बात को, ठीक है ना, बाकी सबका भी बता दे तो इसका मतलब है वो सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है इन टेनेंट से, टेनेंट 1, 2, 3 इनका हमें रेंट नहीं चाहिए, इनका सिर्फ एडवांस चाहिए था फॉर दिस का 4th टेनेंट, ठीक है ना, उनका कोई और चीज हमें रिक्वायर्ड नहीं थी। तो अगर एग्जामिनर चाहता और यहां उठाकर क्या डाल देता, इसका रेंट भी डाल देता, एक तरीका ही होगा अगर एग्जाम में आएगा, जरा मेच्योर सवाल जब आएगा। या दूसरी बात है, यहां एग्जामिनर सिर्फ पूछेगा ये कि बताइए कितना एडवांस ऐड होगा टैक्स ईयर 2023 में, फिर हमारा आंसर होता 1,10,620 रुपए। अच्छा अब जो बात आप बेटा पूछ रहे हो कि वो जो 10 साल वाली बात थी, वो 10 साल वाली बात ये नहीं थी, 10 साल वाली बात ऐसे थी कि अगर एक ही टेनेंट 10 साल तक चलता जाए तो 10 साल के बाद अमाउंट, असल में लॉ क्या चाह रहा था, यही बात मैं आपको यहां पहले समझा रहा था,
अगर ये बंदे ने 26 लाख रुपया एडवांस लिया, हर साल 2,60,000 ऐड होना शुरू हुआ, 10 सालों में 26 लाख सारा टैक्स हो गया। अब अगर यही टेनेंट रहता रहे 11वें साल, 12वें साल, 15वें साल, 25वें साल, नो एडिशन। अगली बात सुने, 15 साल के बाद ये वाला टेनेंट चला गया, नया टेनेंट आ गया है, लेकिन हमने उससे 26 लाख ही लिया है, न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स, ये जीरो हो गया, फिर भी कुछ ऐड नहीं होना था। लेकिन रियल लाइफ में क्या हो रहा होता है, एडवांस बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से अमाउंट का इंपैक्ट रिड्यूस हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो रहा, जनरली खत्म नहीं हो रहा। हो भी सकता है कोई ऐसा मैथमेटिकली कैलकुलेशन ऐसी आ जाए कि बराबर हो गया, बात समझ रहे हैं? तो वो जो 10 साल वाली प्रोविजन है, वो जब समझनी है हमें अपने आप को, तो दो तरीके से समझानी है। या तो एक ही टेनेंट 10 साल रहता रहा तो आपको फौरन समझ आएगी कि यार 26 लाख तो मेरा टैक्स हो चुका हुआ है, अब क्या ऐड हो रहा है। या आप समझें कि एक बंदा 10 साल रहकर गया है, 12वें 13वें साल उसने खाली किया जगह, और नए टेनेंट से हमने फिर 26 लाख ही ले लिया, फिर ये प्रोविजन आपको मेंटली एक्सेप्ट होगी कि अच्छा अच्छा ऐसे हो रहा है। अदरवाइज ये डिफरेंशियल ऐसे ही चलता रहेगा जो खेल चल रहा है। इसकी वजह से सिर्फ एक काम है, आप कहेंगे सर ये याद कैसे रखना है पिछले सारे टेनेंट, तो जो हमारी टैक्स की रिटर्न जब जारी होती है वहाँ शेड्यूल बने हुए होंगे ना, जैसे फिक्स एसेट का शेड्यूल पिछले साल से हम उठा लेते हैं ना अकाउंटिंग में, ये ऐसे उठता जाएगा साथ, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट ऑलरेडी टैक्स हर दफ़ा आ ही रही होगी हमारे पास पिछली, तो नई को हम कैलकुलेट करते रहेंगे, उसमें कोई ऐसी खास प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बाकी तो डेफिनेशन ही थी, अब ये ना कहना कि सर दोबारा बताएं कि नॉर्मल टैक्स क्या होता है, स्पेशल टैक्स। अच्छा जी, क्या आया जी इसको, नवाशिफ का आया, दवाई दवाई का जिक्र आया कि नहीं है? अच्छा ये कोई और नवाज, ये तो बाल है इसके तो। अच्छा ठीक है, ये वो वाला नहीं है, लिविंग इन कैनेडा, शुक्र है तुमने कनाडा के साथ एक और साहब है उनका नहीं नाम डाल दिया, वो हैं वो अगली बारी, वो जो कजन भी रहे हैं किसी के, ठीक है ना, उधर भी तो बात जा रही, तुम नवाज शरीफ की तरफ क्यों ला रहे हैं? इसमें मौलाना तायरुल कादरी साहब क्यों नहीं नजर आ रहे, अगर लिविंग इन कनाडा लिखा हुआ था, ठीक है कोई बात, चले जी ओके हो गया। दो बड़े अच्छे वेल डिजाइंड क्वेश्चन जो जरा थोड़े आपके दिमाग की दही बनाने की ताकत रखते थे, ठीक है ना, अगर अप्लाई किया तो। कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया, होगा खैर है कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, इसलिए अप्लाई करने की कोशिश करनी है, इसे घर जाके आपने फिर दोबारा एक मरतबा हाथ से गुजार लेना है। इसका फायदा ये होगा कि जो जो प्रोविजन हमने टेस्ट में चेक कर ली हैं, ये इंशाल्लाह कभी भी किसी भी लेवल पे चेक हो गई तो आप इसको 100% ठीक करके आएंगे इंशाल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे।